नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। फ्रेश एंटरटेनर्स से भरपूर मंथ एंडर वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम मार्च 2021 की बेस्ट मूवीज के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट मूवीज रिलीज्ड इन मार्च 2021। हर बार की तरह लिस्ट में सबसे बेस्ट हॉलीवुड और इंडियन मूवीज आपको मिलेंगी, तो मार्च 2021 की फ्रेश रिलीज्ड वर्थ वॉच मूवीज के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, और हमारे पिछले दो मंथ एंडर वीडियोज भी आप जरूर देखिए। क्वेरीज के लिए और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है मुंबई सागा। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 19 मार्च 2021 को थिएट्रिकली रिलीज हुई, और लॉकडाउन के बाद थिएटर्स को इस मसाला फिल्म ने वापस एक्टिव कर दिया। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्टोरी 80s एंड 90s के टाइम पीरियड में सेट है, और इस समय के दौरान मुंबई के ट्रांसफॉर्मेशन फेज को व्यूअर्स के सामने ये रखती है। बड़ी स्टारकास्ट और बड़े बजट की इस फिल्म का स्टोरी पार्ट वीक है, जिससे कि फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग नहीं बन पाया। इसके अलावा भी बहुत सी कमियां हैं फिल्म में, लेकिन लीड कैरेक्टर्स की एंट्री, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन की कोरियोग्राफी, ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक टाइपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 9 पर है मॉक्सी। ये एक टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 3 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हिंदी डबिंग के साथ। ये टीन ड्रामा फिल्म इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए एक इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज आपको देने की कोशिश करती है। पैट्रियार्की के अगेंस्ट फीमेल्स का एक रेबेलियन ये फिल्म हमें दिखाती है। इसकी स्टोरी एक 16 ईयर ओल्ड शाय गर्ल को फॉलो करती है, जो अपनी मदर के रेबेलियस पास्ट से इंस्पायर्ड होकर अपनी हाई स्कूल में सेक्सिज्म के खिलाफ कुछ बोल्ड स्टेप्स लेती है। दोस्तों, टीन ड्रामा मूवी लवर्स को तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत से सोशल मैसेज आपको देगी ये फिल्म। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है साइलेंस कैन यू हियर इट। ये एक Z5 ओरिजिनल थ्रिलर फिल्म है जो 26 मार्च को Z5 पर रिलीज हुई है। इस फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी और लीड स्टार्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको स्टार्ट से एंड तक बांधे रखेगी, बोर नहीं होने देगी। मनोज वाजपेयी, जिनकी हर एक परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, हर एक कैरेक्टर को ये एक्सीलेंटली प्ले करते हैं। इन्होंने अपना ये मैजिक इस फिल्म में भी दिखाया है। फिल्म की स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है, जहां फिल्म का लीड कैरेक्टर ACP अविनाश अपनी टीम के साथ मिलकर इस उलझे हुए केस को सुलझाने की कोशिश करता है। ये केस एंड तक जाते जाते बहुत से इंटरेस्टिंग टर्न्स ले लेता है, और इस तरह ये फिल्म इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है। दोस्तों, ये थ्रिलर फिल्म आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये Z5 पर अवेलेबल है, और आप फैमिली के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 पर है बॉस लेवल। ये एक धमाकेदार साइफाई एक्शन फिल्म है जो 5 मार्च 2021 को हुलू पर रिलीज हुई है। दोस्तों, इस फिल्म का एक्शन एकदम बॉम्ब है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट, स्वॉर्ड फाइट्स, हैंड कॉम्बैट, मशीन गन्स, कार चेज, सारे टाइप के एक्शन सीक्वेंसेज आपको इस फिल्म में मिलेंगे। इस एक्शन के अलावा इसका टाइम लूप वाला कंसेप्ट भी माइंड ब्लोइंग है। फिल्म की स्टोरी ऐसे रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर को फॉलो करती है, जो एक नेवर एंडिंग टाइम लूप से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब वो इस टाइम लूप से बचकर निकल पाता है या नहीं, ये आपको फिल्म देखकर पता लगाना है। ये इंटरेस्टिंग एक्शन फिल्म सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है हुलू ऐप पर और अनऑफिशियल सोर्सेज पर। नंबर 6 पर है पगलेट। ये एक इंटरेस्टिंग डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 26 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। दोस्तों, ये टाइपिकल बॉलीवुड फिल्म से हटकर है, क्योंकि इसे कमर्शियल सक्सेस के परस्पेक्टिव से नहीं बनाया गया है। ये एक ब्यूटीफुल और यूनिक स्टोरी व्यूअर्स के सामने रखती है। सानिया मल्होत्रा, जो एक बहुत ही केपेबल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अपनी सोलो फिल्म में अपने आप को प्रूव किया है। उनकी परफॉर्मेंस ने ही इस फिल्म की स्टोरी को ब्यूटीफुल बनाया है। फिल्म की स्टोरी एक विडो को फॉलो करती है, जो इस दुनिया को और अपने रिलेटिव्स को फेस करना सीख जाती है, मेंटली फ्री हो जाती है, और फिर वो अपनी लाइफ को खुद अपने अकॉर्डिंग शेप करती है। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत से सोशल मैसेज देने वाली ये फिल्म आपको फैमिली के साथ जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 5 पर है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। ये एक अमेजिंग एक्शन एडवेंचर एनिमेशन फिल्म है जो 5 मार्च 2021 को US में थिएट्रिकली रिलीज हुई, और साथ ही डिज्नी प्लस पर भी इसे रिलीज किया गया था। 4 जून को ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है, जो इंडियन ऑडियंस के लिए गुड न्यूज़ है। फिल्म की अमेजिंग स्टोरी एक यंग वॉरियर राया को फॉलो करती है, जो लास्ट ड्रैगन को ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पर निकलती है। ये लास्ट ड्रैगन क्या है और राया इसे क्यों ढूंढना चाहती हैं, इन सभी सवालों के जवाब फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की ब्यूटीफुल स्टोरी, अमेजिंग कैरेक्टर्स एंड एनिमेशन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आप फैमिली के साथ इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये डिज्नी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल है। दोस्तों, 4 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के बाद शायद आप इसे हिंदी में भी इंजॉय कर पाएंगे। नंबर 4 पर है द कुरियर। ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच स्टारर एक अमेजिंग हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो 19 मार्च 2021 को थिएट्रिकली रिलीज हुई। इंडिया में भी ये फिल्म इंग्लिश में रिलीज हुई थी 19 मार्च को। ये फिल्म एक ब्रिटिश बिजनेसमैन की ट्रू स्टोरी हमें दिखाती है, जो अनविलिंगली एक ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बना था। इस ब्रिटिश बिजनेसमैन ने सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज MI6 को
कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रैक करने में हेल्प की थी, और यही हिस्टोरिकल स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज फेम बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस बिजनेसमैन का रोल प्ले किया है। उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से ही ये सिंपल सी फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। वॉर मिशन पर बेस्ड हिस्टोरिकल मूवीज अगर आप पसंद करते हैं तो ये फिल्म जरूर ट्राई कीजिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक है और मॉन्स्टर मूवी फैंस को तो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और कॉन्ग स्कल आइलैंड दोनों का सीक्वल है और दो जायंट मॉन्स्टर्स के बीच एक अमेजिंग फाइट हमें दिखाती है। इस फिल्म के अमेजिंग VFX के साथ दो मॉन्स्टर्स की ये फाइट गूज़बम्स आपको देने वाली है। इस फिल्म के VFX गॉडजिला और किंग कॉन्ग वर्स की पिछली मूवी से काफ़ी बेटर हैं। फिल्म की बेसिक स्टोरी आपको इसके ट्रेलर से ही समझ आ जाएगी, जिसमें दो मॉन्स्टर्स के बीच एक एपिक बैटल दिखाई गई है। इस बैटल के बारे में सारी बातें जानने के लिए और धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस फील करने के लिए आप इस फिल्म को ज़रूर ट्राई कीजिए। यह हिंदी में अवेलेबल है और आप फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की जायंट मॉन्स्टर वाली अमेजिंग मूवीज़ की लिस्ट के लिए हमारा टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज़ वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। नंबर 2 पर है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। ये 2021 में अब तक की सबसे पॉपुलर फिल्म रही है। लास्ट ईयर से ही DC फैंस के बीच ये फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। फैंस की डिमांड पर ही जस्टिस लीग का स्नाइडर वर्जन रिलीज किया गया है और स्नाइडर कट जस्टिस लीग फैंस की एक्सपेक्टेशंस को मैच भी कर पाई है। 18 मार्च 2021 को 4 आवर्स के रनिंग टाइम के साथ ये फिल्म HBO मैक्स पर रिलीज हुई थी। अगर आप सुपर हीरो मूवीज के फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर ट्राई करनी चाहिए। इस फिल्म का डायरेक्शन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब पिछली जस्टिस लीग से बेटर है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। ये HBO मैक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। स्नाइडर कट जस्टिस लीग को बेहतर तरीके से समझने के लिए DC एनिमेटेड यूनिवर्स की 16 मूवीज आपको देखनी चाहिए, और इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें ऑर्डर वाइज DC एनिमेटेड यूनिवर्स की मूवीज मैंने बताई हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। नंबर 1 पर है असुरन। ये एक तमिल लैंग्वेज पीरियड एक्शन फिल्म है जो अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन हिंदी डबिंग के साथ इसे मार्च 2021 में रिलीज किया गया है। ये 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स पर स्क्रीनिंग के लिए सेलेक्टेड 10 ग्रेटेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ये एक यूनिक इंडियन फिल्म है जिसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब कुछ लाजवाब है। लीड स्टार धनुष की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने ही इस फिल्म को ग्रेट बनाया है। फिल्म की अमेजिंग स्टोरी एक पुअर फार्मर और एक रिच लैंडलॉर्ड को फॉलो करती है। इन दोनों के बीच हुए क्लैशेज स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग टर्न लाते हैं। ये सिंपल सी लगने वाली स्टोरी और ओवर यूज्ड कंसेप्ट से भी इस फिल्म के क्रिएटर्स ने एक यूनिक फिल्म बनाई है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस फिल्म को आप फैमिली के साथ जरूर देखिए। ये Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी मार्च 2021 में रिलीज हुई बेस्ट मूवीज़ जो आप सभी को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके टाइम का पूरा वर्थ देगी। इनमें से कौन सी मूवीज़ आप देख चुके हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर बार की तरह इस वीडियो की लिस्ट भी आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर मिल जाएगी, तो हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मूवीज़ और वेब सीरीज़ की बेस्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।